गुड मॉर्निंग क्लास, रिवीजन वर्कशीट फर्स्ट मीन्स आप लोग अब आज क्या करोगे, फिर से रिवाइज करोगे लेसन फर्स्ट को, और जो टॉपिक है आपका, जो आपका लेसन है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये इसको मैं फिर दोबारा आपको रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, एक मशीन है जिसके द्वारा हम कोई भी काम अपना आसानी से कर सकते हैं। हमें टाइपिंग करनी है, हमें मेल भेजना है, हमें गेम्स खेलना है, हमें म्यूजिक सुनना है, या कुछ भी अगर हमें काम करना है, हम किसके द्वारा करते हैं, हम कंप्यूटर के द्वारा। जैसे आपकी अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस किसके द्वारा हो रही है, कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा हो रही है। किसी भी चीज़ के द्वारा आप लोग जो भी आप काम करते हो, किसके हेल्प से हो रहा है, जो भी काम हो रहा है कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है। म्यूजिक, गेम्स, और इसको आप देखते कहाँ हो, कंप्यूटर को कौन कौन से फील्ड में इसका यूज होता है, बहुत सारी जगह में इसका यूज होता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन में, बैंक में, ठीक है, घर में भी हर किसी के होता है कंप्यूटर, शॉप में, बड़े बड़े बिजनेस कंपनी में कंप्यूटर का यूज। कंप्यूटर अब ऐसा चीज हो गई है जो हर कोई इसको यूज करता है। इनफैक्ट आप लोग भी के घरों में भी कंप्यूटर होगा। देखो, क्लास फर्स्ट से आप लोग भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप क्लास फोर में पहुंच गए हो, तो फोर्थ में भी आपको इसमें और नई नई चीजें मिली। फर्स्ट में आप लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स सीखे होंगे, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, लेकिन अब फोर्थ में आप हो तो आप इसमें कंप्यूटर के बारे में और एक्स्ट्रा चीजें और जान सकोगे, ठीक है। देखो, अब तीन जो मेन होती है कंप्यूटर में खासियत, कंप्यूटर परफॉर्म थ्री बेसिक फंक्शन, क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। क्या तीन होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इसमें तीन बेसिक फंक्शन होते हैं। सी, इनपुट, इनपुट क्या होता है, इट मींस विच वी एंटर डाटा। हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में, हमारे पास कंप्यूटर है, अगर हमारे पास कंप्यूटर के साथ साथ कीबोर्ड नहीं होगा तो क्या हम उसमें कुछ भी डाटा लिख सकते हैं, नहीं। तो कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी होता है, इसके पार्ट्स भी जरूरी होते हैं कंप्यूटर के, और इसमें चलाने के लिए, इन करने के लिए कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को डालने के लिए क्या जरूरी होता है, कीबोर्ड या माउस, सीपीयू, वैसे तो सब होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे इनपुट की। तो इनपुट डिवाइस के लिए, इनपुट के लिए अभी हमें जो कंप्यूटर में हमें जो टाइप करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, कीबोर्ड की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मींस जो इसका काम करता है। देखो, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, तो जो भी काम करने की क्षमता होती है, जो भी काम होता है, वो होता है सीपीयू के द्वारा। आप लोग इनपुट में जैसे 2+2 डाल रहे हो या 8+8 डाल रहे हो, तो इसका आंसर कौन देगा, डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है डेस्कटॉप, ये आंसर नहीं देगी। इसका आंसर कौन देगा, सीपीयू। सीपीयू प्रोसेस करेगा इसके आंसर को, जो इसका सही आंसर है वो बताएगा, और वो उसको स्क्रीन जो दिखाएगा वो कौन होता है, आपका डेस्कटॉप। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले द डाटा, ठीक है। तो जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मॉनिटर में, तो ये क्या होती है, आपकी आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट का काम क्या है, इन करना, कोई भी काम इन करना। सीपीयू का काम है उसको प्रोसेस करना, और आउटपुट का काम है उसे बाहर शो करना। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू का, क्योंकि उसे बोला गया है ना ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, तो हमने तो इन कर दिया, हमने टू का, अगर हमें 12 का टेबल चाहिए, हम इसमें इन करेंगे तो सीधा सीधा वो मॉनिटर हमें नहीं देगा, कौन देगा, सीपीयू से प्रोसेस करेगा कि 12 का टेबल क्या होता है, और वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है ना। कंप्यूटर एंड रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, उसके बाद जो प्रोसेसिंग के बाद हमें आता है जो रिजल्ट आता है, वो मॉनिटर या प्रिंटर के द्वारा। मॉनिटर तो आपकी स्क्रीन हो गई, प्रिंटर आपको पता है जो कंप्यूटर के साथ होता है प्रिंटर, किसी किसी के घर में होगा, किसी के पास नहीं होगा। जैसे हम कागज, जो भी मैंने टाइप करा, उसे अगर मुझे प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं इसको कंप्यूटर में क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखो अब क्या है आपका, आपने देख लिया इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट कैसे यूज होता है। अब उसके बाद देखो, इनपुट प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, ठीक है। द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन टच, जैसे ये मॉनिटर, इसको मैं टच कर रहा हूँ, ये है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, ये है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। विच वी कैन टच एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिसको भी हम, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक, जिसको भी हम छू रहे हैं, वो सब हमें क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर,
इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट अ सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। सॉफ्टवेयर, अब देखो जो आपके कंप्यूटर में जो चल रहा है ये वर्ड है, वर्ड से जो भी आपका काम चल रहा है, तो बिना सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। आपने कंप्यूटर परचेज कर लिया, आपने कीबोर्ड ले लिया, मॉनिटर ले लिया, माउस ले लिया, सब ले लिया, लेकिन अगर कंप्यूटर में अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे फोन में आपका कोई भी, आप जैसे आपके फ़ोन में, आप तो हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, अगर आप लोग उसको नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेगा। ये भी सब क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी गेम्स होते हैं, गेम्स आपका कैसे कैसे लेते हो, मोबाइल में कैसे खेलते हो, प्ले स्टोर से गेम लेते हो, तो वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो बिना उसको चलाए हुए, बिना उसको डाउनलोड किए हुए किसी भी गेम्स को वो आपको नहीं चलेगा। तो जो भी गेम्स है ये सब है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम ना तो हम छू सकते हैं, ना हम इसको देख सकते हैं, सिर्फ इसको हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या होता है, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, ये रहा है मॉनिटर, चिप होती है ना, जो भी सिम में चिप लगती है तो उसी को कहते हैं हमारा मेमोरी डिवाइस, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर है उसे, इंटरनेट ब्राउजर, हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट होता है। ठीक है, ये मॉनिटर कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, इंटरनेट होता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। मेन थिंग इज एंटीवायरस, बिना एंटीवायरस आप लोग अपलोड करोगे नहीं तो आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगी, करप्ट या खराब हो जाएगी। जो भी अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो, हर किसी में देखो इंसान के शरीर में भी एक वायरस होता है, अगर हम वायरस अगर हमारे शरीर में घुस जाए तो हम क्या करते हैं, दवाई लेके उसे सही करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी वायरस अपने आप चले आता है किसी भी तरह से। तो उसके लिए हमें जरूरी क्या होता है, हमें एंटीवायरस डालना उसमें भी जरूरी होता है। ये भी हमें दिखाई नहीं देता है सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का। ठीक है, इसको डालने से हमारे पे जो भी हमारे पे इसमें जो भी हमारे कंप्यूटर में वायरस अगर पहुंच जाता है तो एंटीवायरस उसको दूर कर देता है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट, ये एक स्वतंत्र है। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, बिना देखा बताया था ना मैंने, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता। सो इसीलिए इफ द हार्डवेयर इज नॉट देयर द सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज, अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होगा, जहां सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का यूज नहीं होगा। तो इसलिए कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अभी हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है, अभी बताया था अभी आपको कि जिस पे हम कंप्यूटर में इन करते हैं, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में इन करेंगे किसी के भी द्वारा, अगर हम जो भी चीज़ हम इन करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट। कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट। ठीक है, अ कीबोर्ड हैज अ यूज टू टाइप डाटा, कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा, जो डाटा किसे कहते हैं, देखो डाटा जो हम लोग लिखते हैं ना, टाइप करते हैं, ये सब ये हमारा डाटा कहलाता है, या इसे हम टेक्स्ट भी कहते हैं। टेक्स्ट तो हम लिखने को कहते हैं, डाटा जो भी हमारा काम होता है इसे सेव करने इतने को हम क्या कहते हैं, डाटा। ठीक है, देखो और इसकी कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, 104 कीज ऑन द कीबोर्ड, इसको आप लोग लर्न कर लेना, देयर आर 104 कीज ऑन द कीबोर्ड। 5 टाइप्स ऑफ कीज होती है कीबोर्ड में, टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन की, नेविगेशन कीज और न्यूमेरिक कीपैड। टाइपिंग कीज आप जिसमें हम टाइप करते हैं, ठीक है, टाइपिंग मतलब ए बी सी डी वाला टाइपिंग, 1 2 3 वाला, 1 2 3, ये सब हमारे टाइपिंग की कहलाती है। फंक्शन की, कंट्रोल कीज, नेविगेशन की, न्यूमेरिक कीपैड, ये सब हमारे कीबोर्ड में होता है। इसके बाद आता है आपके माउस। अ माउस इज अ स्मॉल पॉइंटिंग डिवाइस विद 2 or 3 बटन, माउस में कितने बटन होते हैं, 2 या 3 बटन्स होते हैं। एज वी मूव द माउस, देखो जैसे हम माउस को मूव कर रही हूं ना मैं, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मेरा पॉइंटर है, ये इसको, ये भी मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, इट इज यूज टू पॉइंट द सेलेक्ट एंड देन ओपन फाइल्स और फोल्डर, इसी को ही दबाने से
ये बटन होते हैं ना, इन दोनों में से एक होता है राइट का बटन, एक होता है लेफ्ट का बटन। इन दोनों ही राइट और लेफ्ट के बटन दबाने से आपके फाइल्स या फोल्डर है वो ओपन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका स्कैनर। इट इज अ डिवाइस दैट रीड्स टेक्स्ट एंड पिक्चर प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज। स्कैनर आपका एक डिवाइस होता है, ये भी एक इसी की तरह माउस कीबोर्ड इसकी तरह ही एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में हमारी कोई भी, अगर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कागज है, पेपर है, उसको हम क्या करते हैं कंप्यूटर में अगर हम सेव करना चाहते हैं तो किसके द्वारा सेव करते हैं, स्कैनर के द्वारा। स्कैनर में रखा उस पेपर को, उसके बाद हम क्या करते हैं सीधा हम डायरेक्ट इसमें कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ओके, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का काम होता है, आप भी कोई भी सामान अगर आप मॉल में जाते हो, कोई भी आप सामान परचेज करते हो तो आप उसको देखा होगा आपने, तो ये इसका कोड से इसमें प्राइस होता है, इसको स्कैन करता है और आपको इसका प्रोडक्ट का प्राइस बता देता है। लाइट पेन का यूज, लाइट पेन का यूज आपको बताया था मैंने कि इट इज मेनली यूज बाय इंजीनियर, फैशन डिजाइनर और आर्किटेक्ट एक्स्ट्रा। ठीक है, ये इसमें लाइट पेन का यूज होता है। इसमें हम लोग क्या कर वो लोग क्या करते हैं, जैसे स्क्रीन है इसमें लाइट पेन का यूज से हम इसमें नेम लिख सकते हैं। ठीक है, बिना अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं नेम, कागज या पेंसिल, कागज में हम किसे लिखते हैं, पेन या पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन अगर हम स्क्रीन में हम क्या लिख सकते हैं नेम, नहीं, तो वो लाइट पेन के द्वारा हम स्क्रीन में हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में भी हम फोटोज या वीडियोज को हम सेव करते हैं और उसको हम ट्रांसलेट किस में कर सकते हैं, सीधा अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आता है आपका वेब कैमरा। वेब कैमरे को हम क्या करते हैं, वेब कैमरे से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में बैठे हुए लोग से हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं। माइक्रोफोन, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, ये हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है। माइक्रोफोन यूज्ड इज़ इन मैनी एप्लीकेशन सच एज टेलीफोन एंड टैप रिकॉर्डर एक्स्ट्रा। इसका यूज़ किस में होता है, इसमें आवाज़ जो भी होती है हमारी रिकॉर्ड होती है और इसलिए ज़्यादातर टेलीफोन और टैप रिकॉर्डर में यूज़ होता है। इसके बाद आता है आपका टच पैड। टच पैड को आपने देखा होगा, टच पैड आपका जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में आप यूज़ करते हो ना टच पैड का, टच स्क्रीन, टच से बिना माउस से आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आपका टच पैड आपका क्या होता है, जो मोबाइल होता है, मोबाइल के द्वारा भी आप इसमें टच करके आपको कोई भी फाइल या फोल्डर उसमें ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का जैसे आईपैड होता है, आप बिना उसके किसी भी चीज़ के यूज़ के हम लोग बिना किसी कीबोर्ड या माउस के सहायता उसके यूज़ से हम सिर्फ हाथ के यूज़ से हम इसको टच कर सकते हैं, ना हमें कीबोर्ड की ज़रूरत है ना हमें माउस की ज़रूरत है। टच स्क्रीन से सिर्फ अपने फिंगर से हम कोई भी फाइल को हम टच करेंगे वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग इसमें देखते होंगे एटीएम अगर यूज़ करते हो तो एटीएम में भी पूरा ही सेम क्या करते हैं, उसमें उंगलियों से फिंगर से आप लोग टच करके वो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन बोलते हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइस। पहले हमने पढ़ा इनपुट डिवाइस और मेन होते हैं आउटपुट के मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। मेन आउटपुट क्या होते हैं, मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। ओके, द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, मॉनिटर। स्क्रीन जो होती है फर्स्ट स्क्रीन डेस्कटॉप की, और ये होता है आपका मॉनिटर। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर जो हम लोग बोलते हैं ना, कंप्यूटर किसे बोलेंगे, पूरा कीबोर्ड माउस सीपीयू यूपीएस स्पीकर सबको मिला के ये क्या बनता है, कंप्यूटर। लेकिन अगर हम सिर्फ अलग बात करें मॉनिटर की, तो सिर्फ जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका सिर्फ मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज द मॉनिटर। इसमें इट इज सिमिलर टू अ टेलीविजन, ये किसकी तरह दिख रहा है, टेलीविजन की तरह दिखता है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। देखो जो भी हमारे को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। मैंने बोला था ना इनपुट से हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड या माउस से हम इन करेंगे, जो हमें प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग सिर्फ एक होती है सीपीयू से, और आउटपुट की तीन आउटपुट से हम मतलब जो ही सामान हमारा बाहर की तरफ आता है, कोई भी चीज़ जिससे हमारा मॉनिटर और स्पीकर, देखो आवाज़ भी हमारी बाहर आती है, प्रिंटर से पेपर बाहर आता है, तो ये क्या हो गया हमारे आउटपुट हो गए, ये हमारे सब क्या हो गए, आउटपुट हो गए। तो ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका स्पीकर। इट इज यूज टू लिसन म्यूजिक, एवरी वन नो द स्पीकर इज टू लिसन द म्यूजिक फ्रॉम अवर कंप्यूटर। ठीक है,
इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें अगर सॉन्ग सुनना है तो हम कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर से अगर हमें सॉन्ग सुनना है तो स्पीकर हम इसमें कनेक्ट करेंगे और इसमें स्पीकर से हमारी आवाज़ सॉन्ग की आवाज़ हमारी हमें सुनाई देती है। किसी भी कोई भी हम फिल्म देख सकते हैं, सॉन्ग या गेम्स भी खेलते हैं तो इसमें भी हमारे, इससे हम सॉन्ग आवाज़ को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्रिंटर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट प्रिंट्स द आउटपुट ऑन अ पेपर। जो भी, जैसे मेरा ये जो भी मैंने ये टाइप किया है, इसको अगर मुझे प्रिंट देना है तो मैं क्या करूँगी, पहले अपने कंप्यूटर में क्या लगाऊंगी, प्रिंटर को मैं कनेक्ट करूँगी। प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मैं इसको सेम टू सेम एज इट इज प्रिंट कर सकती हूँ। ठीक है, ये कहलाता है हमारा प्रिंटर। एक मिनट और सुनो, देखो, द प्रिंटर कॉपी इज कॉल्ड, जो प्रिंटर की जो कॉपी निकलती है वो हार्ड कॉपी कहलाती है, लेकिन जो मॉनिटर की स्क्रीन जो होती है, द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर, वो होती है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ये होती है सॉफ्ट कॉपी, ये होती है आपकी हार्ड कॉपी। इसमें थ्री द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। में तीन प्रकार के हमारे कंप्यूटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। ये सब आपको मैंने पहले बता चुकी है। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, इट वर्क्स लाइक अ टाइपरेटर, टाइपरेटर की तरह यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ा नॉइजी होता है, मतलब जैसे प्रिंट कागज प्रिंट हो रहा होता है तो उसमें थोड़ा से आवाज आ रही होती है, बट लेस एक्सपेंसिव, लेकिन ये महंगा नहीं होता, कोई भी इसको परचेज कर सकता है। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, स्कूल या ऑफिस में आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके प्रिंट जो निकलेगा वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, इट स्प्रे ड्रॉपलेट्स ऑफ अ इंक ऑफ अ पेपर, सॉरी, इंक ऑन अ पेपर टू फॉर्म द टेक्स्ट एंड ग्राफिक। इट इज़ अ आइडल फॉर रूटीन बिजनेस वर्क, फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, बिजनेस वर्क में यूज होता है। इट कैन प्रिंट इन ब्लैक एज वेल एज प्रोड्यूस कलर आउटपुट। ठीक है, ब्लैक ही होता है एज वेल एज साथ में साथ प्रोड्यूस क्या करता है, कलर आउटपुट। लेजर प्रिंटर का यूज होता है, बीम, इट यूज लेजर बीम टू प्रिंट। इट इज मोस्टली यूज इन पब्लिशिंग हाउसिंग। देखो, जो आपको बैनर दिखाई देते हैं ना, बड़े बड़े, जब आप रोड में जाते हैं तो आपको बैनर दिखाई देते हैं, पोस्टर दिखाई देते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं, लेजर प्रिंटर्स के द्वारा। ये कलरफुल प्रिंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीपीयू। अब देखो, इनपुट भी मैंने आपको बता दिया, आउटपुट भी बता दिया, अब आप नेक्स्ट आता है आपका जो मैंने प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग को मैं इसमें आपको बाद में डिटेल कर रही हूँ। ठीक है, जो प्रोसेसिंग, सेंट्रल, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, लर्न करना है बच्चों से हमने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। ठीक है, द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, एवरीवन नो। ये कोई भी काम बिना सीपीयू के आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर आप इसमें सीपीयू नहीं लगाओगे तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, क्योंकि सीपीयू में हार्ड डिस्क, ड्राइव, हार्ड डिस्क भी होती है। इसमें काफ़ी सारे मदरबोर्ड, इसमें मदरबोर्ड भी होता है, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स होते हैं जिससे ही ये क्या करता है, कंप्यूटर हमारा चलता है। बिना सीपीयू के हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। इट परफॉर्म्स ऑल द जॉब्स विच वी वॉन्ट। हमें जो भी काम चाहिए ये सीपीयू के द्वारा ही हम कर सकते हैं। ठीक है, सीपीयू में कौन कौन से क्या क्या होता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को क्या कहते हैं, एमआई। दिस यूनिट स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये इसमें इन्फॉर्मेशन रखते हैं, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो, हम इसको मतलब अपनी नीड के हिसाब से रख सकते हैं। अगर जैसे मेरा ये डाटा है, इसको मैंने अगर इसे मैंने सेव कर दिया है, ठीक है, सेव हो गया ये मेरा, लेकिन अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगी रिसाइकिल बिन में, लेकिन ये डिलीट होकर कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में। अगर मुझे रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करना है तो ये हमेशा, फिर ये मेरा रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाएगा, फिर ये अपने आप वापस नहीं आएगा जब तक मैं टाइप नहीं करूंगा। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, सीयू, इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ये भी इसमें काम करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन की भूमि इसमें निभाता है। देखो, सीपीयू में हम लोग बिना, सीपीयू का काम ये है, उसमें डाटा को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें आंसर हमारे पास पहुंचाता है, और आंसर हमारे पास किसके पहुंचाता है, ये माउस, सॉरी, आउटपुट के द्वारा ये पहुंचाता है। ओके, आपको एक बार फिर से मैं कंट्रोल यूनिट, सीयू के बारे में बता देती हूँ। सीयू क्या होता है, कंप्यूटर का मैनेजर होता है। सीयू कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, डिवाइस को बताता है कि किसी प्रोग्राम से प्राप्त निर्देश को किस प्रकार पालन करना है,
ठीक है। ये क्या काम करता है, सभी कंप्यूटर का मैनेजर होता है, मतलब जो ये क्या होता है, सीपीयू जो होता है सबसे छोटा होता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है कंप्यूटर का। ये क्या करता है, हर किसी काम को पूरी सावधानी से और सही आंसर को हमें हमें क्या बोलते हैं पहुंचाता है, और किसके माध्यम से पहुंचाता है, हमें मॉनिटर के हेल्प से हमें ये पहुंचाता है। ओके, क्लास सबमिट योर वर्क ऑन ट्यूसडे। ओके।